तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धन एप्लीकेशन के बारे में, कैसे आप अपना धन अकाउंट ओपन कर सकते हो। बेसिकली आपको अगर नहीं पता भाई धन क्या है, सो अगर आप भाई स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हो या अपने भाई स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर में पैसा निवेश करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन के थ्रू ही आप कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को भाई इस वीडियो में धन अकाउंट का अकाउंट ओपनिंग का डिटेल पूरा आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, कैसे अकाउंट ओपन करना है, कैसे केवाईसी वेरीफाई करना है, कैसे ई साइन करना है, कितने देर में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और इसमें अकाउंट ओपन करने का एक रुपए भी चार्ज नहीं है। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा, सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहना। सो चलिए शुरू करते हैं। सो हम जो कभी अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे देखो, आप लोगों ये वाला एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा हूँ। सिंपल सा आप लोगों लिंक पे क्लिक करना है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद देखिए आपको कुछ इस तरीके इंटरफेस मिल जाएगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका सबसे पहले आप लोग को अकाउंट ओपन करके अपना अकाउंट क्रिएट करके केवाईसी करना पड़ेगा, तभी आप अपने स्टॉक मार्केट में भाई ट्रेडिंग कर सकते हो या अदरवाइज आप लोग अपना कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, निवेश कर सकते हो। सो सबसे पहले यहाँ पे अपना नंबर फिल करना है और आई एम रेडी टू ट्रेड पे क्लिक कर देना है। आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई कर देना है। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ओटीपी फिल किया, उसके बाद यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई होने के बाद ईमेल आईडी पूछ रहा है, ईमेल आईडी फिल कर देना है और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आपका भाई पिन यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब की पिन बनाना पड़ेगा, 6 डिजिट का पिन यहाँ पे फिल करना है, नीचे में कन्फर्म करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आपका ये जो पिन है ना, हमेशा आपका ये धन एप्लीकेशन ओपन करने में यूज होता रहेगा। सो उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि अपना फेस आईडी या फिंगरप्रिंट वगैरह मैच करना है। सो यस, इस पे क्लिक कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट हमने मैच कर दिया। अब उसके बाद यहां पे देखिए आप लोगों को बताया जा रहा है हैव ए रेफरल कोड इंटर हियर, आप लोग इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को भाई रेफर कोड इंटर करना है। मैंने भाई ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में रेफर कोड भाई प्रोवाइड कर रखा है, वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। सो जैसे हम भाई यहाँ पे रेफर कोड फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए फिनिश केवाईसी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आप लोगों को भाई क्लिक कर देना है। बाद यहाँ पे देखिए पैन नंबर पूछ रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, जो आपके पैन कार्ड पे वही डिटेल इधर फिल करना है। उसके बाद नीचे में प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक मेरा नाम आ चुका है पैन नंबर से वेरीफाई होकर, अदरवाइज आपका नाम गलत रहता है, एडिट पैन नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके दोबारा पैन नंबर सुधार कर सकती हो। बट यहाँ पे ये मेरा नाम ठीक है, सो यस दैट्स मी कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपलोड फोटो गैलरी, मतलब पैन कार्ड का अपना भाई फोटो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, कैसे अपलोड करना है वो यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड किया गया है। सो चलिए यहाँ से अपलोड कर देते हैं, मैंने पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर दिया। उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे भाई सेल्फी वेरिफिकेशन के लिए बताया जाएगा, सो चलिए सेल्फी वेरीफाई कर देते हैं। सेल्फी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप लोगों से भाई सिग्नेचर का फोटो पूछा जाएगा, सो अपना भाई सिग्नेचर का फोटो अपलोड कर देना है। यहाँ पे देखिए टेक ए फोटो बताया जा रहा है, सो चलिए यहाँ पे अपना फोटो अपलोड कर देते हैं। या अदरवाइज यहाँ पे देखिए साइनिंग इन फोन स्क्रीन पे आप लोगों को सिग्नेचर करना है। सो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो और यहाँ पे अपना भाई सिग्नेचर अपलोड कर देना है, जो भी आपका सिग्नेचर रहता है प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। या अदरवाइज आप लोगों को भाई पेपर पे सिग्नेचर करके अपलोड कर देना है। जो भी यहाँ पे आप अपना भाई सिग्नेचर अपलोड करोगे वही सिग्नेचर आपके भाई पैन कार्ड में होना चाहिए। मैंने अपना भाई यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर दिया, उसके बाद भाई प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दिया। सो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, आपका सिग्नेचर ऑटोमेटिक भाई यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपका एनुअल इनकम कितना है, 1 लाख के अंदर में है या 1 से 5 लाख के बीच में है, जो भी है आप लोगों यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रोफेशन ऑक्यूपेशन क्या है, किसी कंपनी में काम करती हो या आपका बिजनेस है, वो अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस कितना है वो इधर भाई सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो नील कर सकती हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों भाई ये सब टिक कर देना है, मतलब कि इंडिया के सिटीजन है, हम इंडिया के रहने वाले हैं और पॉलिटिक्स में कोई एक्सपोज नहीं है, ये भाई टर्म एंड कंडीशन भाई टिक कर देना है और यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। बाद यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया जा रहा है अपना एफ एंड ओ एक्टिवेट करने के लिए, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए आपको बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जो भाई आपका 6 मंथ का स्टेटमेंट होना चाहिए। सो अपना भाई 6 मंथ का स्टेटमेंट अपलोड कर सकती हो या अदरवाइज सैलरी स्लिप अपलोड कर सकती हो अगर किसी कंपनी में काम कर रही हो तो, अदरवाइज बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना है सो यहाँ से अपलोड कर सकती हो। यहाँ पे इजिली अपना एफ एंड ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट कर सकती हो, अदरवाइज आपको बाद में इसको एक्टिवेट करना है, सो इस पे भाई क्लिक कर सकती हो, बाद में भी आप अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन अपलोड कर सकती हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैंक वेरिफिकेशन, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि यूपीआई के थ्रू वेरीफाई कर सकती हो या अपना अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डाल के वेरीफाई कर सकती हो। सो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा अपना अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डाल के ही यहाँ पे वेरीफाई करना। सो इस पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है, अपना बैंक का यहाँ पे देखिए इंटर आईएफएससी कोड, अपना बैंक का आईएफएससी कोड इधर फिल कर देना है। उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है, आपका अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, अकाउंट नंबर भाई अपलोड कर देना है। तो जैसे हम अपना भाई यहाँ पे आईएफएससी कोड डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको डाल देना है, अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा और ये आपका ब्रांच का एड्रेस आ जाएगा, सेविंग अकाउंट है करंट अकाउंट है वो पूछा जाएगा, सो वो भाई सिलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड बटन पे भाई क्लिक कर देना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करते ही देखिए आपका अकाउंट वेरीफाई किया जाएगा,
धन की तरफ से एक रुपीज आपके अकाउंट में सेंड किया जाएगा। उसके बाद बैंक वेरीफाई यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे कुछ इस तरह का डिटेल वगैरह देखने को मिल जाएगा, और ये भाई रीड कर लेना पूरा। उसके बाद यहाँ पे चेक मार्क कर देना है एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे जैसे आप भाई क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पे ई साइन का आ चुका है। आधार कार्ड से आप लोग को ई साइन करना पड़ेगा, बस ये आपको भाई पूरा रीड करना है, रीड कर लीजिए। उसके बाद प्रोसीड, उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी डिटेल रहता है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चेक मार्क कर देना है और साइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पे देखिए इस पे भाई चेक मार्क कर देना है, आधार नंबर फिल करना है, सेंड ओटीपी। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर रजिस्टर रहेगा उस पर ओटीपी आएगा, अपना ओटीपी वेरीफाई कर देना है, आपका ई साइन कंप्लीट हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे ओटीपी फिल कर दिया, वेरीफाई ओटीपी पे भाई क्लिक कर दिया। जैसे हम वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो भाई सक्सेसफुल यहाँ पे हम लोगों का ई साइन कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट ई साइन सक्सेसफुल हो चुका है, ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते ई साइन सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, वही पासवर्ड इधर भाई कंफर्म करना है, प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। सो जैसे हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए वेल डन सक्सेसफुल भाई, आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो सब कुछ सबमिट हो चुका है और यहाँ पे आपका अकाउंट 24 से 48 घंटे के अंदर भाई कंफर्म हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। उसके बाद इजीली आप इसे यूज कर सकती हो। वेल, अभी इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मैं पहली कंफर्म कर देता हूं। इन्वेस्ट करने के लिए आप लोग को 24 से 48 घंटे तक वेट करना पड़ेगा और ट्रेडिंग करने के लिए फीचर एंड ऑप्शंस को इनेबल करना पड़ेगा। तो देखो फीचर एंड ऑप्शंस को कैसे आप भाई कर सकते हो, तो यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करना है, यहाँ पे निफ्टी 50 देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फीचर एंड ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया जरा फीचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट करने के लिए, इस पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपका ये अकाउंट एक्टिवेट होता है तभी आप इसमें फीचर एंड ऑप्शंस को आप एक्टिवेट कर सकते हो, उससे पहले आप नहीं कर सकते। तो इस तरह आप अपना धन अकाउंट भाई इजीली ओपन कर सकती हो। बाकी इसके रिलेटेड में अगर कोई दूसरा क्वेश्चन रहेगा सो नीचे भाई कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को भाई रिप्लाई कर दूंगा। सो वीडियो पसंद है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।